उधर का नगर सेवक क्या कर रहा था? वो तो लोकल है, लोकल लोगों को मदद करना चाहिए, लेकिन फिर भी उधर के लोग जिसका जमीन है वो खुद मेरे पास आ रहे हैं। अभी एक बात और आप ध्यान दोगे तो उधर अपना उपमहापौर भी उधर ही रहता है, तो उपमहापौर भी क्या कर रहा था? तो ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। उपमहापौर और नगर सेवक जो कि अभी फिलहाल वो पद पे नहीं है, लेकिन उनका काम बनता है क्योंकि लोगों ने उनको चुन के लाया था लोक प्रतिनिधि करके, तो उन्होंने भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए था। उनसे भी सवाल पूछा जाएगा कि आपने ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नज़र डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, इस समय हम बैठे हैं मनसे के कार्यालय पर, जहां स्वप्निल डिकुना जी हमारे साथ है। और कल वसई अंतर्गत एक हादसा हुआ माणिकपुर क्षेत्र में, आपने देखा है, दूसरे न्यूज़ चैनल ने भी वो खबर चलाई है और विजुअल में भी आप देख सकते हैं कि माणिकपुर अंतर्गत एक बिल्डिंग का स्लैब गिरा, जिससे किस तरह से वहाँ नीचे रोड पर खड़े रिक्शा को नुकसान हुआ और वहाँ कुछ लोग जख्मी हुए। इस मामले में स्वप्निल डिकुना ने मामला पहले ही फॉलोअप किया था, क्योंकि जो ज़मीन मालक है खुद उन्होंने शिकायत की थी, लेकिन महानगर पालिका तत्कालीन सहायक आयुक्त ग्रिसन गोंसाल्विस, जिसका कि हम लगातार जिसके भ्रष्टाचार उजागर कर रहे हैं, स्वप्निल खुद कई बार उसके भ्रष्टाचार उजागर कर चुके हैं और मैं खुद भी अपने वीडियो के माध्यम से भ्रष्टाचार उजागर कर रहा हूँ, वही ग्रिसन गोंसाल्विस वहाँ पर उस समय पदस्थ था और कंप्लेन की गई थी, शिकायत की थी। ग्रिसन गोंसाल्विस ने नोटिस भी बजाया था, लेकिन उस बांध काम को, अनाधिकृत बांध काम को रोका नहीं और कल ये परिणाम हुआ। अब जाहिर सी बात है कि इस तरह से कुछ लोग जख्मी हुए हैं, तो उसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी तरह से सिस्टम फेलियर के हिसाब से ग्रिसन गोंसाल्विस के ऊपर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये सवाल है। मैं अपने सवाल और भी उठाऊंगा, इससे पहले हम स्वप्निल जी से सीधा मुलाकात करते हैं। स्वप्निल जी नमस्कार। नमस्कार स्वप्निल जी, ये जो माणिकपुर में कल हादसा हुआ, क्या डिटेल आपके पास है? माणिपुर में जो अवैध तरीके से इमारत बन रही थी, सबसे पहले वो इमारत जो है वो उसके ओनर खुद मेरे पास आए थे और मेरे पास उन्होंने कंप्लेंट दिया था कि वो जो ज़मीन है वो हमारी है और वो ज़मीन के ऊपर ये राजेश आचार्य जो है अवैध विकासक, ये उधर इमारत खड़ी कर रहा है अवैध तरीके से, इल्लीगल तरीके से। हमारा कोई NOC नहीं, हमारा कोई परमिशन नहीं, हमसे कुछ डॉक्यूमेंटेशन बनाया नहीं, कुछ नहीं। तो वो जब मेरे पास आए तो मैंने उनका अथॉरिटी लेटर लिया, रोमना गोंसाल्विस और मीना रॉकी कोलासो, ये दो शेयर होल्डर है वो ज़मीन के अंदर जो मेरे पास आए थे कंप्लेंट लेके। तो मैंने उनका अथॉरिटी लेटर लिया, मैंने प्रॉपर महानगर पालिका के साथ इन्वेस्टिगेशन किया, महानगर पालिका को पत्र व्यवहार किया। उसके बाद महानगर पालिका ने ग्रिसन गोंसाल्विस जो वो टाइम के सहायक आयुक्त थे, उन्होंने एक नोटिस बजाया 24 घंटे के अंदर आप डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सादर करो, अन्यथा आपके ऊपर कायदे से MRTP अंतर्गत कार्रवाई करेंगे। लेकिन वो नोटिस बजाने के बाद, वो नोटिस कभी दिया था? 27/12/2022 को, अभी चल रहा है मार्च, लगभग 3 महीने हो गए वो नोटिस देने के बाद, आज तक उसके ऊपर अगला कार्रवाई हुआ नहीं, जो कि MRTP नोटिस था और गुना दाखिल करने का था। तो वो बिल्डिंग, अवैध बिल्डिंग ऐसे ही बनते रहा, मेरा फॉलोअप चालू रहा। उसके बाद आज जब भी वो बिल्डिंग का स्लैब गिरा, मतलब कल के दिन, तो उसके नीचे 3 व्यक्ति जो गंभीर तरीके से जख्मी हो गए। अभी अभी मेरे को फ़ोन आया था उनके रिलेटिव का, वो औरत जो जख्मी है उसकी पीठ की हड्डी कुछ डैमेज हो गई और इंटरनल ब्लीडिंग चालू है जो रुक नहीं रहा है, उसको बंगली हॉस्पिटल में एडमिट किया था, अभी उसको लेके जा रहे हैं बॉम्बे हॉस्पिटल। बॉम्बे हॉस्पिटल कौन लेके जा रहा है? यही राजेश आचार्य जो बिल्डर है। अभी ये क्या करने को देख रहा है? उसकी गलती की वजह से जो भारी नुकसान हुआ है लोगों का, जिसकी जान भी जा सकती थी, अभी वो उनको सेटल करने के लिए देख रहा है। उनको हॉस्पिटल का खर्चा उठाएगा, फिर उनको कुछ हर्जाना देगा, लेकिन वो अवैध बिल्डिंग टूटेगी नहीं, ऐसा उसका थिंकिंग है। लेकिन एक ध्यान में रखो, जो चीज़ की वजह से सामान्य नागरिक जो वसई विरार के स्थानिक लोग हैं, उनकी जान से खेलने का प्रयत्न ये अवैध विकासक कर रहे हैं, उनका ये इरादा कभी कामयाब होने नहीं दूंगा। वो बिल्डिंग टूटेगी और आने वाले 2-3 दिन के अंदर ही आपको वो रिजल्ट दिखेगा। जब तक वो बिल्डिंग टूटी नहीं है, तब तक मैं स्वप्निल डिकुना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शांत बैठेगी नहीं, क्योंकि वो अवैध बिल्डिंग की वजह से सामान्य स्थानिक लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, उनकी जान तक जा सकती है। तो इसकी वजह से जब तक वो बिल्डिंग टूटी नहीं है, महानगर पालिका को एक मैं अल्टीमेटम देता हूँ, गुड़ी पाड़वा के पहले आप वो बिल्डिंग तोड़ो, नहीं तो गुड़ी पाड़वा के बाद
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से और मैं खुद स्वप्निल डिकुना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और स्वप्निल डिकुना मिल के वो बिल्डिंग जब तक टूटती नहीं है तब तक उधर महानगर पालिका के अंदर अनशन करेंगे। रही बात जो गुनहगार है इसके अंदर, सबसे पहला वो जो अवैध विकासक जो है राजेश आचार्य वो है, जिसकी मिली जुली भगत ग्लीसन गोंसाल्विस सहायक आयुक्त, क्योंकि अगर मिली जुली भगत नहीं रहती थी तो वो इतनी बड़ी बिल्डिंग उधर अवैध तरीके से खड़ी नहीं कर पाता था, तो ग्लीसन गोंसाल्विस हो गया। और ये इन्वेस्टिगेशन के अंदर एफआईआर होने के बाद इसके अंदर जो आएगा इन्वेस्टिगेशन के अंदर कि किसने उस राजेश आचार्य को उधर बिल्डिंग बांधने के लिए परमिशन दी थी, किसने उसको उसके साथ व्यवहार किया था, इतना दो माला चढ़ाने के बाद भी पुलिस ने इंटरफियर नहीं किया, महानगर पालिका ने इंटरफियर नहीं किया और हम खुद जमीन मालक होकर तकरार कर रहे थे, तो हमारा तकरार के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गया। जब भी वो ओनर मेरे पास आए तभी मैंने महानगर पालिका में फ़ोन करवा के ये नोटिस निकाला था, जब भी मेरे को अथॉरिटी मिला। तो अभी महानगर पालिका किधर ना किधर दोषी है, वो राजेश आचार्य दोषी है और उसको ये सब करने के लिए कौन कौन किसने किसने मदद किया वो सारे दोषी है। इसमें और एक बात मैं छेड़ना चाहूँगा कि उधर का नगर सेवक क्या कर रहा था, वो तो लोकल है, लोकल लोगों को मदद करना चाहिए, लेकिन फिर भी उधर के लोग जिसका ज़मीन है वो खुद मेरे पास आ रहे हैं। अभी एक बात और आप ध्यान दोगे तो उधर अपना उपमहापौर भी उधर ही रहता है, तो उपमहापौर भी क्या कर रहा था, तो ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। उपमहापौर और नगर सेवक जो कि अभी फ़िलहाल वो पद पे नहीं है लेकिन उनका काम बनता है क्योंकि लोगों ने उनको चुन के लाया था लोक प्रतिनिधि करके, तो उन्होंने भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए था, उनसे भी सवाल पूछा जाएगा कि आपने ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया। आपने कई बातें की जिसमें आपने ये भी कहा कि वो राजेश आचार्य जो विकासक है ये इन लोगों को सेटल करने की कोशिश कर रहा है, वो सेटल करना अपनी जगह है क्योंकि जब किसी का नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई तो करनी है, लेकिन और जो अवैध बांध काम है उसको तोड़क कार्य टूटना ही चाहिए क्योंकि अवैध है, लेकिन यहाँ निग्लिजेंस की वजह से जो लोगों की जान पे बनाई उसके लिए क्या पुलिस एफआईआर निग्लिजेंस का वो नहीं होना चाहिए? देखो सब होएगा, एफआईआर होएगा लेकिन 304 का होएगा, 304 के अंदर राजेश आचार्य भी आएगा, ग्लीसन गोंसाल्विस भी आएगा और ये राजेश आचार्य को जिसने बांधने के लिए पाठिंबा दिया उनके नाम भी आएंगे, लेकिन वो पुलिस का काम है, वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लेकिन एक बात तय है कि लोगों की जान से खेलने के लिए आईपीसी सेक्शन 304 के तहत इनके ऊपर एफआईआर होना है और उसके अंदर ही इन्वेस्टिगेशन होएगा। तो ये स्वप्निल जी बता रहे थे किस तरह से इन्होंने शिकायत की थी, उसके बावजूद ग्लीसन गोंसाल्विस ने कुछ नहीं किया। हम आपको लगातार ग्लीसन गोंसाल्विस के कारनामे है उसके बारे में उजागर करते आए हैं, स्वप्निल जी खुद ग्लीसन गोंसाल्विस के कारनामे अच्छे से उजागर कर चुके हैं इसके पहले, लेकिन आज ऐसा सामने आया है जो नहीं आना चाहिए था, यहाँ कहीं ना कहीं लोगों की जान पर बने आई है और अब भी वो अधिकारी अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, क्या उनको वहाँ से हटाना नहीं चाहिए, ये सवाल बड़ा है। स्वप्निल डिकुना ने भी सीधे सीधे यहाँ ऐलान किया है कि अगर महानगर पालिका इस बिल्डिंग को तोड़ती नहीं है तो ये रुकने वाले नहीं हैं और आंदोलन करेंगे और इस तोड़क कार्यवाही करवा के रहेंगे। अब ये तो बात मनसे का अपना एक स्टाइल है, मनसे अपने स्टाइल से करेगी ही, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह भी है कि जब घर मालिक ही खुद बोल रहा है कि हमारी बिना परमिशन के बांधा जा रहा है तब भी ये प्रशासनिक अधिकारी न जाने किस खुमारी में आकर अपने कुर्सी का गलत फ़ायदा उठाते हैं, दुरुपयोग करके इन लोगों का नुकसान करते हैं। आने वाले समय में देखा जाएगा इस पर क्या कुछ होता है। आज के लिए इतना ही, बस ऐसे यूसुफ अली। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786